मॉर्निंग फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो आज का दिन है बहुत खास, बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल जो हमारी सोसाइटी में सेलिब्रेट होने वाला है। और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल एकदम चकाचक लेटेस्ट कुर्ता पहन लिया है और विदित भी तैयार हो गया है। आज सोसाइटी में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, प्रोग्राम होने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे 2 बजे के आसपास गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए, उसके बाद 3:30 आरती होगी। यस, और उसके बाद शायद हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे, हम देखते हैं। तो हम लोग पहले जाएंगे गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए, फिर हम आपको वो पूरी वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद हम आएंगे और गणेश जी की स्थापना होगी सोसाइटी में। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम होने वाला है। तो आप बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं। और मैं आपको बीच में भी दिखाता हूँ, हम लोगों ने मंडप सोसाइटी में रेडी किया है, पूरा एक मंडप का आपको व्यू दिखाता हूँ, मंडप किस तरह से बना है। वाटरप्रूफ नहीं है। हाँ, वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देसी जुगाड़ कर दिया है। देसी तो देसी जुगाड़ जिंदाबाद। आइए चलते हैं नीचे, मंडप मंडप दिखाते हैं। दोस्तों ये बना है हमारा मंडप और इसमें देसी जुगाड़ भी है, और हमने कर दिया है वाटरप्रूफिंग का देसी जुगाड़। रात 3 बजे तक काम किया सब लोगों ने। तो ये है हमारे मंदिर, वो तो सुबह हो गई। तो आज सारी स्थापना, सारा प्रोग्राम इधर ही होने वाला है। दोस्तों अभी हम मिलवा रहे हैं आपको अपने सोसाइटी के चैंपियन से जो हमारे सोसाइटी के मैनेजर पवन और ये हमारे सोसाइटी के गार्ड राहुल जो रात के 3 बजे तक लटके रहे पाइप से। तो अभी हम आ गए हैं गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए और अभी हम देख रहे हैं कपड़ा जो मूर्ति में हमारे काम आएगा। ये है सारा मार्केट। हमें लेना है रेड कलर का कपड़ा जो मूर्ति में नीचे लगाएंगे हम। तो बप्पा की मूर्ति अभी ले ली है। इतनी तो सुंदर ये मूर्ति लग रही है और बिल्कुल एकदम रॉयल लुक और शाही लुक में। तो अभी जाने से पहले पूजा हो रही है। बाबा मौर्या मंगल मूर्ति, मौर्या मंगल मूर्ति, मौर्या गणपति बाबा, मौर्या मंगल मूर्ति, मौर्या गणपति बाबा, मौर्या मंगल मूर्ति। तो दोस्तों अपनी ढोल वाली टीम भी आ चुकी है, अभी बस मस्त झकास ढोल बजने वाला है। गणपति का त्यौहार हो और ढोल ना बजे तो ऐसा हो नहीं सकता। मज़ा तभी आता है जब पूरा महाराष्ट्र का कल्चर फॉलो हो, ढोल बजे।
तो दोस्तों आज का दिन जा रहा है बहुत बिजी, और अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर, उनके यहाँ पर भी गणपति जी का आगमन हुआ। दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, गणपति जी विराज गए हैं और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की है, पुनीत जी से मिलिए, और सब कुछ लजीज पकवान भी सामने है। तो अभी हम अभी टाइम हुआ इवनिंग का, और अभी हम आए हैं आरती के लिए। बहुत ही बढ़िया मंडप सजा है, और इवनिंग में जो इसका लुक आता है वो डबल हो जाता है, और आप देख सकते हो गाने भी बज रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल इधर हो रहा है। तो ये है डेकोरेशन टीम, लैंडर रोवर, बस अब चंद्रयान उड़ने की देरी है। तो दोस्तों आज की करते हैं वीडियो एंड, आज का दिन रहा बहुत अच्छा, और आप सभी को हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका दिन भी अच्छा रहे, अच्छा रहा होगा तो आप अच्छा होएगा। तो लाइक करो, और आप वीडियो कैसे लगे बताना, लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। हाँ, जो नीचे घंटी है उसको, घंटे को टनटनाटन करके दबा दो, और हाँ जो भी मानना है करो, और तब तक के लिए बाय।